सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल वीनस स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वीनस स्टडी में। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। फिर इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था जो कि इनकी मौसी भी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। उनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। एक था बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं। तो वो कौन कौन से? तो कमल एवं सांड, ये जो है जन्म का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल यानी बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है। पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप नृत्य का प्रतीक है। इस तरीके से बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ये याद रखिएगा। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, ये याद रखिए, याद बहुत इम्पोर्टेंट है। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ के ने राजगीर के रुद्रकाम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। 6 वर्ष की कठिन समस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। वो स्थान जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा जो थी पाली उसमें दिया। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी जो थी श्रावस्ती वहाँ दिए और पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिए। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी कुशीनारा देवारिया उत्तर प्रदेश में हुई जो कि कहा जाता है कि एक चुंद करके एक व्यक्ति था जिसने उन्हें मांस खाने को दे दिया था उसके कारण हुआ उनकी मृत्यु। तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण, देखिए याद रखिए, जब उन्होंने गृह त्याग किया उसे महाभिनिष्क्रमण कहा, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा और जब उनकी मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण कहा। ठीक। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध के बारे में हमें विशद ज्ञान यानी पूरा ज्ञान जो है वो त्रिपिटक से पता चलता है। तो वो कौन कौन सी त्रिपिटक है? तो एक है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक और तीसरा है अभिदम्भ पिटक। ये तीनों पिटकों की भाषा जो थी वो पाली थी। उस समय संस्कृत भाषा जो थी ये बहुत ज़्यादा प्रचलित थी लेकिन आम लोगों की भाषा जो थी पाली थी, इसलिए बुद्ध ने अपने सबसे बुद्ध ने जो भी ज्ञान दिया जो भी लिखा वो सब पाली भाषा में लिखा। बुद्ध धर्म मूलतः अनईश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा, जब संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है उसे निर्वाण कहते हैं।
विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। उपनिषद की संख्या आपको पता है, जब हमने वेद देखे तब उसमें आपको बताया गया था, तो उपनिषद की संख्या है 108, वहीं से यह सिद्धांत लिया गया है। बुद्ध के अनुयायी को दो भागों में विभाजित करते हैं, जैसे कि है भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उन्हें भिक्षुक कहा जाता है, और उपासक यानी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहते हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में प्रविशिष्ट होने को उपसंपदा कहते हैं। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धर्म की जो है चार सभाएं हुई थी, तो वो कौन कौन सी है? तो प्रथम संगीति जो हुई थी राजगृह में थी, जिसके अध्यक्ष महाकाश्यप थे, और शासन काल था अजातशत्रु का जो बौद्ध का बहुत बड़ा बौद्ध धर्म को मानता था अजातशत्रु। द्वितीय संगीति जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी, वहाँ के अध्यक्ष सभाकामी और शासन काल था उस समय काला अशोक का। तीसरी जो संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और वहाँ के अध्यक्ष थे मोगली पुत्तिस, और अशोक ने ये आयोजित किया था, ठीक है, यानी अशोक का शासनकाल था। चतुर्बौद्ध संगीति जो कि पहली शताब्दी में हुई थी कुंडल वन में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो वासुमित्र और अश्वघोष थे, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी ये बौद्ध धर्म बुद्ध के की मृत्यु के तुरंत बाद अजातशत्रु ने इसका आयोजन किया था। और चतुर संगीति यानी कि जो प्रथम शताब्दी में हुई थी, इसके बाद जो बौद्ध धर्म थे वो दो भागों में बढ़ गए थे, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार जो है वो वैशाख पूर्णिमा में है, जिसे बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझाना, यानी जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। बौद्ध धर्म में ही जातक कथाएं भी है जो कि 500 से अधिक है, जिसमें मनुष्य के यानी बौद्धिस्तव का अवतार जो है वो मनुष्य के रूप में भी हो सकता है या पशु के रूप में भी हो सकता है, ऐसा जातक कथाओं में बताया गया है। सर्वाधिक बौद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार शैलियों के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा काल के अंदर बनी। भारत का जो कि विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था नालंदा, ठीक है, उसको गुप्त सम्राट ने बनाया था, और गुप्त काल में बनाया गया था, और नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ख़त्म किया था। अभी फिर से इस पे काम चल रहा है, 10 देश मिलकर इसे बना रहे हैं 2014 से। और अभी अगर हम करंट अफेयर से रिलेटेड बात करें तो वाइस चांसलर इसका नियुक्त किया गया है विजय भाटकर को। विजय भाटकर ये वही है जिन्होंने सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था। यहाँ पे फिर से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली जाएंगी, इसके ऊपर संशोधन किया जाएगा, ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय फिर से बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से आज हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा लोग हमसे जुड़े, और कमेंट करके हमें बताइए अगर आपके कुछ सुझाव हो तो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।